नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? और चालू हो गया हमारा शर्ट ट्रिप। अभी जस्ट संस्कार खत्म हुआ था कुछ दिन पहले और उसका भी भूत उतरता ही कि तब तक चल पड़े हम दूसरे ट्रिप पे। और आज जहाँ जा रहे हैं उसका उस वहाँ जाने का सपना मेरा कई दिनों से था, तो मैं बोल रहा था हम कहाँ जा रहे हैं और मैं नहीं बताऊँगा, वो बताएगा मेरे साथ जाता हुआ अमित। तो हाय हाय गाइस, या सो मेरा पिछले 8 महीने से केदारनाथ जाने का प्लान था एंड यू माइट नॉट नो पर मैंने अपने 3 केदार पूरे कर चुके हैं एंड मेरे 2 केदार बाकी रह गए हैं, दैट इज केदारनाथ एंड मध्य महेश्वर। तो अभी हम वही पूरे करने जा रहे हैं। फ्लैक्सिंग हो रही है और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसके आगे की कहानी, तो इसने मेरे को बताया कि केदारनाथ जा रहा है। मैंने इसको पहले बताया कि मैं तुंगनाथ जाने का प्लान बना रहा हूँ, तो मेरा कई दिनों से तुंगनाथ जाने का प्लान था। मैंने इसको बताया मैं तुंगनाथ जाने वाला हूँ, तो इसने बोला यार मैं भी केदारनाथ जा रहा हूँ। मैंने कहा कैसे जा रहे हो? कह रहा अकेले। तो मैं कहा ठीक है यार, मैं भी चलता हूँ, मैं ज्वाइन कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। सका नहीं, ठीक है ज्वाइन कर लूँ। और बस आज हम बैठे हैं इस बस में जाते हुए ऋषिकेश, और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश। तो हमने बुक की है जनरल और ये 9 बजे चली है दिल्ली से और सुबह 3 बजे पहुँचाएगी ऋषिकेश। और इसका किराया था 560 रुपये AC बस है, बट आई वुड सजेस्ट कि इसको बुक मत ही करिएगा, ठीक है। बहुत ही कंजेस्टेड सीट है, देख लिए तो इतने में ही हम बैठे हुए हैं। 2 बंदों की सीट है, 560 रुपये एक बंदे का है, 2 बंदों का नहीं है। और बट ठीक है, AC बस है तो आराम है थोड़ा सा, बट अगर आप लोगों को बुक करनी है तो हम न्यू गो वगैरह बुक कर सकते हैं। तो बस सुबह 3 बजे ऋषिकेश पहुँचेंगे, फिर वहाँ से 6 बजे ऋषिकेश से सोनप्रयाग की बस है। अब उसके बाद मैं सुबह ही आपको बताऊँगा क्योंकि बैटरी भी बचानी है। किसी तरह सोने की कोशिश करते हुए आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ये रही खड़ी बस हमारी जिससे हम लोग आए हैं। और यार जैसे ही पहुंचे हैं यहाँ पे स्वागत हुआ है बारिश की बूंदों के साथ। अभी देखेंगे आप, ऊपर बादल घेरे हुए हैं और छोटी छोटी बूंदें पट भी रही हैं। हो ठीक है, कोई नहीं, हाँ ठीक है। थोड़ा सा आपको लगता है जब आप पहाड़ चढ़ने जा रहे होते हैं बारिश होने लगती है तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं, बट एनीवेज। तो अब बहुत मुश्किल काम है, 3 घंटा किसी तरीके से टाइम पास करना है क्योंकि अब हमारी जो दूसरी बस है वो है यहाँ ऋषिकेश से सोनप्रयाग, जो कि जाएगी 6 बजे। अब 6 बजे तक का वेट करते हैं और फिर सोनप्रयाग वाली बस पकड़ेंगे। ले लिया ये हमने लिया था यार कुछ जहाँ बस रुकी थी, ये खाने के लिए कॉर्निटोज एंड पॉपकॉर्न। अब भूख भी लग रही है तो एक बार देखते हैं अगर कुछ खाने को मिलता है अच्छा सा यहाँ पे, क्योंकि बस स्टैंड ऋषिकेश का काफ़ी एक्टिव है। अगर समय देखा जाए तो बज रहे हैं 2:30, बट यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है तो मे बी कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। तो बस चलते हैं, कुछ खाते हैं, फिर टाइम पास करेंगे, वेट करेंगे अपनी दूसरी बस का और तो यार अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और हम लोग काफ़ी बोर होने लगे थे। ये अलग बात है कि हमें सिर्फ अभी 1 घंटा हुआ था आए हुए ऋषिकेश, और पर अभी तक पता लग गया यार वेट करना बहुत ही हार्ड है। तो हमने डिसाइड किया कि अब टाइम पास करने के लिए क्या करें, हमारे पास 3 घंटा है, 3 घंटे वहाँ खड़े होकर तो टाइम पास नहीं होता। तो हम चल पड़े त्रिवेणी घाट की ओर, और ऋषिकेश बस स्टैंड से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर है। तो ये हम लोग आ चुके हैं त्रिवेणी घाट पे और गंगा मैया के आप लोग दर्शन करिए, जय गंगा मैया। तो ये बीच में एक आइलैंड है छोटा सा, इसके उस साइड मेन गंगा बहती है और वहाँ से पानी काट के यहाँ पे ला दिया गया है सो दैट कि यहाँ पे लोग नहा सकें, और बाकी नहाने का और भी जुगाड़ बना हुआ है यहाँ पे। और ये पीछे काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो त्रिवेणी घाट को वेल मेंटेन रखा गया है, और सबको पता है ऋषिकेश में कि
मतलब ऋषिकेश में क्या, पूरे लगभग इंडिया में पता है सबको कि त्रिवेणी घाट की आरती बहुत ही प्यारी होती है, पर ये आरती देखने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। मैं पहले दो आरती देख चुका हूँ यहाँ पे, पर यहाँ पे परमात्म निकेतन है, तो ये आगे किसी घाट पे, मुझे घाट का भी नाम याद नहीं आ रहा, ये कहीं नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। तो उस घाट की आरती मैं कई बार देख चुका हूँ, लेकिन ये इस घाट की आरती अभी भी रह गई है, तो देखते हैं कब मौका देती हैं गंगा मैया। अब हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, ड्रिजल हल्की हल्की होती है, अब यहाँ ड्रिजल होने लगी थी सो तो यार हम लोग वापस आ गए हैं त्रिवेणी घाट से, अब जा रहे हैं हम बस स्टैंड तक, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं और लगभग 1.5 घंटा बाकी और है, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे क्योंकि अब हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट तो पहले से थी पर अब बढ़ गई है। और कमाल की बात तो ये है कि स्नान करने का सौभाग्य मिला, मतलब एकदम अचानक से प्लान बन गया मेरा अमित का, मैंने अमित से पूछा यार डुबकी मारोगे क्या, मतलब एक अंकल डुबकी मारे थे, हमने पहले गहराई का अंदाज़ा लगाया, फिर जब हमें लगा कि नहीं एक ख़तरनाक नहीं है और आराम से एक डुबकी लगाई जा सकती है, तो हम लोगों ने भी हिम्मत बांधी और चल दिए। और काफ़ी ही आनंदित पल थे वो, तो काफ़ी मज़ा आया। अब खैर चलते हैं वापस से बस अड्डे और फिर वहाँ चल के बात करते हैं। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ, बारिश अचानक से तेज़ हो गई, तो हम लोग एक ऐसी दुकान के नीचे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि बारिश रुके तो हम ISBT तक जाएं। और ये हमारा डिसीज़न बहुत अच्छा था कि यार हम 4:30 बजे निकल गए, है ना, अदरवाइज कम से कम 1.5 घंटे का हमारे पास विंडो है। और ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है कि बारिश यहाँ हो रही है तो चांसेस हैं कि ऊपर भी बारिश हो रही होगी काफ़ी, बट लेट्स सी यार, होप फॉर द बेस्ट। हम बाबा ने खुद बुलाया है तो दर्शन भी वही कराएंगे। अब धीरे धीरे उजाला भी हो चुका है और अभी हम लोग को पता नहीं है कि यहाँ कौन सी बस है हमारी, तो अभी 1 घंटा बाकी है, आधे घंटे बाद हम लोग जाएंगे पता करेंगे कि हमें कौन सी बस से जाना है, क्योंकि अब हो रही है बारिश बहुत तेज, तो एक बार बस पता लग जाती तो यार बैग रख के इतना थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाते, अब बैग ऐसे लबारिश की तरह बीच में पड़ा हुआ है। सही बोल रहा है, लबारिश तो है। और फाइनली हमें हमारी बस मिल गई है, तो ये बस यहीं लग चुकी थी, तो जब हमें पूछने गया कि बस कितने बजे जाएगी, कहाँ से जाएगी, तो उन्होंने बताया कि बस लगी हुई है, जाके बैठिए, तो हम लोग अभी आके बैठे हैं, पर अंदर कुछ सीट के नंबरों का गड़बड़ हो रखा है, तो एक बार कंडक्टर साहब आते हैं तो हम लोग एक बार इस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, अभी जिसका जहाँ मर्जी है वहाँ बैठा है। ये बस यहाँ से 6 बजे चलेगी और लगभग 1 बजे तक सोनप्रयाग पहुँचाएगी, तो हम लोग का प्लान है कि हम जैसे ही सोनप्रयाग पहुँचेंगे वहाँ से कोशिश करेंगे कि तुरंत हम गौरीकुंड जाएं और अपनी चढ़ाई स्टार्ट करें, क्योंकि हमें आज रात तक केदारनाथ पहुंचना है किसी भी हालत में, क्योंकि हम लोग की वहां पे बुकिंग है। और मैं पापा से चैलेंज लगा के आया हूं कि मैं आज उस बुकिंग को वेस्ट नहीं होने दूंगा और आज ही हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे, जिससे कि हम उस टेंट हाउस जो मैंने बुक किया है वहाँ पर अपना नाइट स्टे रख सकें। तो फाइनली यार जो सीट वाला इशू हुआ था वो सॉल्व हो गया है, तो कंडक्टर साहब ने बोला कि जो आपने बुक किया था मैप के हिसाब से वहीं जाके बैठ जाओ, तो हमने 25-26 यहाँ से जस्ट आगे वाला बुक किया था, तो अब सेटल्ड है हम लोग। बस मेरे में बस चलेगी, अभी बज रहे हैं 5:45 और 6 बजे बस यहाँ से निकलेगी और श्रद्धालुओं से भरी है बस, बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा इस वक्त। खैर चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करेंगे पूरे रास्ते, तो एक्साइटेड? वेरी मच मैम, वेरी मच, ग्रेट। जस्ट कंडक्टर भाई साहब जी से बात हुई और उन्होंने कहा है कि यार 3 बजे से पहले तो नहीं पहुंचने वाले, 3 बजे तक पहुंचेगी ये गाड़ी,
सोनप्रयाग और वहाँ से फिर गौरीकुंड पहुँचने के बाद 4 बजे तक गेट आखिर बंद हो जाता है क्योंकि ऊपर बारिश वगैरह का मौसम है तो जल्दी बंद कर दे रहे हैं। तो अगर उससे पहले आप पहुँच गए अंदर गेट के अंदर घुस गए तो आप चढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे, अगर नहीं घुस पाते हैं तो आप चढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये बात सुन के लिटरली बहुत ज़्यादा ही दिमाग ख़राब हो गया यार। ठीक है, ये कहना भी सही है कि यार जो होगा देखा जाएगा, बट अगर ये हुआ तो बहुत सारे प्लान चौपट हो जाएंगे, जो सोच के आए थे सब बिगड़ जाएगा। तो लेट्स सी यार, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो हो अच्छा ही हो।